ना सबसे पहले ये बताइए अभी, तो मैं दुखी हो जाती हूँ फिर, क्योंकि चल तो ये रहा है कि बबल और विशैली की शादी होने जा रही है तो उनका संगीत हो रहा है जिससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो और बस तो फिर भी आप डांस वगैरह सब देख रही हैं बैठ के दिल पे पत्थर रख के? हाँ, दिल पे पत्थर रख के मैं डांस देख रही हूँ। सगाई पे तो उसने मुझे शर्त रखी थी कि मेरी सगाई है तो इच्छा को नाचना पड़ेगा, तो सगाई के वक्त तो मैंने डांस कर लिया लेकिन संगीत के वक्त नहीं करूँगी। क्या क्या आप दोनों के झगड़े के चक्कर में कहीं वहाँ पे दुख तो नहीं हो जाएंगे? प्यार तो वो भी करते हैं कहीं ना कहीं, मैंने उनको जलाने के लिए ओवर स्मार्ट बनी और मैं यहाँ वहाँ घूमती रही और उनको भाव नहीं दिया, तो आई थिंक वो सेम चीज़ उस बबल जी की तरफ से भी है कि प्यार तो वो भी करते हैं लेकिन ये सब जलाने के लिए कर रहा है ताकि मैं खुद से आके बोल दूँ कि हाँ भैया आई लव। अच्छा, तो विशैली वो कब रास्ते से हटाने वाली है? अच्छा, ऐसा तो वैसे देख के ये सब विधि तो चल रही है, विधि बोलूँगी क्योंकि नागिनों की तो विधि होती है ये सब करने की, तो ये सब बिल्कुल प्रोसेस में है कि अब उससे कैसे पकड़वाया जाए, क्योंकि अगर घर पे बता दूंगी कि पहले कि वो नागिन है तो वो मेरा भी राज खोल देगी, तो इस चक्कर में मैं बहुत सारी ट्रिक सोच रही हूँ कि हम उसे किस तरह पकड़ सकते हैं। अच्छा, टॉकिंग अबाउट संगीत का कॉस्ट्यूम क्या है आज प्रियल स्पेशल? संगीत का कॉस्ट्यूम जैसे हर कोई फंक्शन में मैं अलग अलग ड्रेस पहनती हूँ, और इस जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंक्शन में भी मैंने कुछ अलग सा पहना है, एक प्लाजो पैंट है, उसके ऊपर ये क्यूट सी कुर्ती है, और ये दुपट्टा है, ये इयर रिंग्स है, और ये मेरी हेयर स्टाइल है। अच्छा, ये सब में से सबसे अच्छा? हाँ, यार मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे तो मैं ही अच्छी लग रही हूँ कपड़ों वपड़ों के बारे में। नहीं, उसके अलावा मुझे अपनी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ज्वेलरीज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मतलब, तो ऐसे गले में कुछ नहीं पहना वैसा? क्योंकि एक तो दुखी हूँ फिर भी तैयार होके आई हूँ मजबूरन तो इसलिए ज़्यादा डेकडप नहीं होना, मैंने शादी तो उसके ना ऐसे लगेगी शादी फिर मेरी और बबल जी की है अगर मैं ज़्यादा तैयार होके आ गई तो। थैंक यू सो मच। थैंक